हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फुलवारी। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हाइब्रिड विनका की देखभाल। देसी विनका आराम से ग्रो करता है और वो एक परमानेंट प्लांट है। ये सारी बातें इस पर भी लागू होती हैं, पर वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, आराम से चलता रहता है। प्रॉब्लम आती है तो हाइब्रिड विनका में हम इसकी केयर कैसे करें, मैं इसकी बेसिक जानकारी और कौन सा फर्टिलाइज़र दें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाइब्रिड विनका की खास बात है इसकी छोटी हाइट और बहुत ज़्यादा क्वालिटी में फ्लावर्स प्रोड्यूस करना। और अगर आप इसमें थोड़ा सा भी फर्टिलाइज़र करेंगे तो बहुत ही ये आपको ज़्यादा फ्लावरिंग देगा और अच्छे से ग्रो करेगा। और इसकी दूसरी ख़ास बात है, आपको इसकी नर्सरी में बहुत सारे कलर्स ऑप्शंस मिल जाएंगे। बहुत सारे कलर्स में आता है, रेड, पिंक, वाइट, पर्पल। आप चाहें जितनी आप इसकी कलर्स की वैरायटी नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं। और ये नर्सरी से आपको बहुत ही कम प्राइस में मिलता है, 20 या 30 रुपए में आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसको सीड से भी ग्रो करना चाहें तो वो भी 5 या 10 रुपीज़ में आप ले सकते हैं, उससे भी अच्छे से इसको ग्रो कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है और ये मार्च से अक्टूबर तक का इसका ग्रोथ टाइम है और बहुत अच्छे से ग्रो करता रहता है। और अगर इसमें बस एक प्रॉब्लम आती है तो वो आती है वाटरिंग की। आप इसको चेक कर हमेशा ही पानी दें। देखिए, इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, ना ज़्यादा सूखी हो ना ज़्यादा गीली हो। ये अगर ज़्यादा इसकी में की मिट्टी में पानी होता है तो ये प्रॉब्लम करता है, इसकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं और आपका प्लांट मर जाता है। इसलिए हमेशा ही इसको चेक करके पानी दें। और जैसे अभी बारिश का मौसम आने वाला है फ्रेंड्स, तो इसको ज़्यादा बारिश अगर लगातार हो रही है तो आप इसको लगातार बारिश में ना छोड़ें, बस कम बारिश में रह सकते हैं। थोड़ा सा ही पानी जाए इसकी जड़ों में, आप इसको बारिश में ज़्यादा ना रहने दें, तो जिससे ये अच्छा ग्रो करेगा। और इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है, इसको फुल सनलाइट में रखें, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देगा आपको। और इसके लिए प्लांट्स आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। देखिए, ये मेरा 7 से 8 इंच का पॉट है, इसको ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर इसकी फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो मैं इसको फर्टिलाइज़र हमेशा ही, देखिए फ्रेंड्स, ये बनाना पील का फर्टिलाइज़र है। बनाना के छिलकों को आप कट कर लीजिए और उसे बस एक रात के लिए डिप करके जार में रख दीजिए और फिर नेक्स्ट डे अपने आप इनमें फ्लावरिंग प्लांट्स में डाल दिए, तो बहुत ही अच्छे से आपको फ्लावरिंग देगा। और काउडंग या कम कोई भी आप घर का गार्डन सॉइल में मिक्स करके कंपोस्ट दे सकते हैं, काउडंग या जो भी आप अपने किचन वेस्ट से बना सकते हैं। और मंथ में एक बार दे दीजिए बस, और 15 डेज़ में ये बनाना पील का फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छे से आपका प्लांट ग्रो करता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और अब वैसे ये ज़्यादा इसमें फंगस की प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर होती है तो आप उसके लिए कोई भी अच्छा सा फंगीसाइड इसके लिए स्प्रे कर दें और इसकी रूट्स में भी थोड़ा सा दे दें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। और इसकी बस अच्छे से थोड़ी सी केयर करेंगे, बहुत ही अच्छे से चलेगा। आप इसको शीट से ग्रो करिए, पूरा साल भर आपका पौधा कहीं भी नहीं जाने वाला है। तो देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर्स लगते हैं इसके। मेरे पास पिंक है, ये वाइट है और ये डार्क पिंक इसकी वैरायटी है। बहुत सारे कलर्स ऑप्शंस हैं। इतने सुंदर सुंदर फूल लगाइए अपने गार्डन में और बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और आपको बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देगा। तो आपको कैसी लगी मेरी जानकारी बताइएगा फ्रेंड्स, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।